नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे गैंग्रीन की। गैंग्रीन एक थोड़ी खतरनाक अवस्था होती है जो तमाम लोगों में हो जाती है। आज जब हिंदुस्तान में डायबिटीज़ बहुत बुरी तरह फैली हुई है, हिंदुस्तान डायबिटीज़ की राजधानी मानी जाती है, तो इंडिया में जिस तरह डायबिटीज़ फैल रही है उसी तरह गैंग्रीन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ गैंग्रीन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और एक वक्त आता है इसका इलाज भी अनमैनेजेबल हो जाता है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जो आपके गैंग्रीन को ठीक कर देंगी। इससे आपको मुक्त करके आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से सहूलियत दे देंगी। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं गैंग्रीन होती क्या है। गैंग्रीन साथियों आपके स्किन की वह कंडीशन होती है स्किन में कि जब उस स्किन के विशेष हिस्से में आपका ब्लड सप्लाई रुक जाती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, उस स्थिति को गैंग्रीन कहते हैं। यह एक भयावह स्थिति होती है जो आमतौर पे डायबिटिक मरीज में या जिसको आर्थरोस्क्लेरोसिस इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उनमें यह पाई जाती है। लेकिन बीमारी है तो उसका इलाज भी है, होम्योपैथी में इसकी कारगर दवा है। बात कर लेते हैं साथियों इसके सिम्टम्स की। गैंग्रीन साथियों एक ऐसा पैच होता है स्किन में जहाँ पे आपको एक गड्ढा ऐसा दिखता है, वह डार्क कलर्ड होता है, पेनफुल होता है। और एक खास बात होती है उस डेड टिश्यू की कि जो डेड टिश्यू होता है और जो आपकी नॉर्मल स्किन होती है उसके बीच में क्लियर लाइन होती है, और जब आप गैंग्रीनियस पोर्शन को टच करेंगे तो उसको आप ठंडा पाएंगे क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो चुकी होती है। पेनफुल वो होता ही है, उससे पस का डिस्चार्ज होता है। यह सब सिम्टम्स हैं जो आमतौर पर गैंग्रीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एक स्थिति आती है गैंग्रीन में ही कि जब यह गैंग्रीन का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यह जो है पूरे बॉडी में फैल जाता है, पूरे ब्लड में फैल जाता है। उस कंडीशन को सेप्टिक शॉक कहते हैं, और वास्तव में एक शॉक वाली कंडीशन होती है, एक भयावह कंडीशन होती है जिसमें कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपको वीकनेस आने लगती है और आपको तुरंत डॉक्टर की या सर्जिकल प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। इसके कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। कारण इसका, जब आपके किसी भी कारण से, चाहे वो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो या ट्रॉमा हो, कोई चोट हो, कोई भी ऐसी कंडीशन हो जिससे स्किन टिश्यू को ब्लड सप्लाई रुक जाती हो, वह डेड हो जाते हो, खासतौर से इसका कारण होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस पार्ट में हो जाता है जिस पार्ट में आपकी स्किन में या आपके पार्ट में ब्लड सप्लाई ना होती हो किसी भी कारण से। गैंग्रीन साथियों कई प्रकार की होती है, जिसमें कि ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, फॉलर्स गैंग्रीन, मेलेस गैंग्रीन, इंटरनल गैंग्रीन। यह छह तरह का क्लासिफिकेशन गैंग्रीन का होता है। अगर ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो ड्राई गैंग्रीन वो स्थिति होती है जिसमें आपकी स्किन सिकुड़ जाती है, उसमें एक सिकुड़न महसूस होती है, उसका कलर ब्लूइश हो जाता है, वह ड्राई गैंग्रीन की स्थिति होती है। यह नॉर्मली आर्थरोस्क्लेरोसिस या डायबिटीज़ के पेशेंट में पाई जाती है। दूसरी होती है वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन साथियों जैसा कि नाम बता रहा है, वेट यानी कि जिसमें पस्चुलर फॉर्मेशन हो रहा हो, पस का फॉर्मेशन हो रहा हो, उस स्थिति को वेट गैंग्रीन कहते हैं। यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसके लिए तुरंत आपको, वीडियो में आगे जाने वाली दवाओं को आप साथ में ले सकते हैं लेकिन इन दवाओं के सहारे ना रहें, तुरंत आपको किसी सर्जन या डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। तीसरी होती है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन भी एक भयावह स्थिति होती है, लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति होती है। वो स्थिति होती है कि जब आपके इपिडर्मिस या डर्मिस के नीचे के पार्ट्स में, बॉडी ऑर्गन्स तक डेड टिश्यू का सेप्टिसीमिया, सेप्टिक कंडीशन फैलती है, और उसमें से जो प्रोसेस होता है उसमें से एक गैस ऐसी क्रैकिंग के साथ निकलती है, वह स्थिति होती है गैस गैंग्रीन की। यह भयावह स्थिति होती है।
फिर जो साथियों चौथी टाइप ऑफ गैंग्रीन होता है, वह होता है इंटरनल गैंग्रीन। इंटरनल गैंग्रीन उस कंडीशन में होती है कि जब आपको हर्निया या कोई इस तरह का दिक्कत हो गया हो जिसमें कि आपकी इंटेस्टाइन बल्ज हो गई हो और वहाँ पे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाए, तो वह स्थिति होती है इंटरनल गैंग्रीन की। और हमारे वो साथी जिनको हर्निया की दिक्कत हो वो इस बात को समझ सकते हैं कि अगर उनको हर्निया है तो उसका ऑपरेशन तुरंत करा लें, सर्जरी तुरंत करा के उसको ठीक करा लें, क्योंकि बाद में यह आपके इंटरनल गैंग्रीन के रूप में डेवलप हो सकती है। पांचवी तरह की गैंग्रीन जो होती है वह होती है फर्नियर्स गैंग्रीन। इस गैंग्रीन आप नॉर्मली मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में होती है, जब आपके गुप्तांग होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई किसी कारण से रुक जाती है तो उसको फर्नियर्स गैंग्रीन कहते हैं। और जो आखिरी तरह की गैंग्रीन होती है वह होती है मेलनेज गैंग्रीन। मेलनेज गैंग्रीन वह स्थिति होती है जब आपके सर्जरी का प्रोसेस हुआ हो, सर्जिकल प्रोसेस हुआ हो, और सर्जिकल प्रोसेस के बाद जिस ऑर्गन में सर्जरी हुई हो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नॉर्मल ना हो पाए और गैंग्रीन हो जाए, वह टिश्यू डेड हो जाए, उस स्थिति को मेलनेज गैंग्रीन कहते हैं। और यह भी एक स्थिति है जो थोड़ी रेयर है, लेकिन जिसको होती है उसको तो हो ही सकती है। यह कुछ क्लासिफिकेशन था साथियों गैंग्रीन का। प्रयास था कि आपको अगर किसी को गैंग्रीन है या हुआ है तो उसको उसके बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो मालूम हो जाएं। नॉर्मली आपको बातें मालूम नहीं हो पाती हैं, जिसके पास इल्म होता है, मालूमात होती है, वह अपनी कंडीशन को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकता है। बहरहाल चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको अगर किसी को गैंग्रीन है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं। बस आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे, जैसा हमने बताया कि वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, इंटरनल गैंग्रीन यह लाइफ टेकिंग प्रोसेस हैं, तो अगर आपको गैंग्रीन की शिकायत है तो इन दवाओं को आप हेल्प के तौर पर साथ में कर लें, वह भी किसी प्रिस्क्राइब करा के किसी कुशल चिकित्सक से अपने सिम्टम के हिसाब से। और साथ में अगर गैंग्रीन है तो आप एलोपैथी का भी सहारा ज़रूर लें, क्योंकि यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं गैंग्रीन को सुखाने के लिए, क्योंकि यह लाइफ थ्रेटनिंग है। बताते हैं आपको गैंग्रीन को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। तो अगर ड्राई गैंग्रीन की स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिकेल कॉर्निटम। सिकेल कॉर 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके ड्राई गैंग्रीन हो, स्किन सिकुड़ गई हो, स्किन में सेंसेशन खत्म हो गया हो, नमनेस आ गई हो, छूने से सेंसेशन ना महसूस होता हो, तो आप सिकेल कॉर 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार लेके उस गैंग्रीन को ख़त्म करके सामान्य स्थिति में लौटने का उम्मीद और प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति साथियों आती है गैंग्रीन में कि गैंग्रीन हेमरेजिक रूप ले लिया हो। हेमरेजिक रूप मतलब गैंग्रीन के आसपास से ब्लडी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो अगर आपके गैंग्रीन है, किसी के गैंग्रीन है और उसके ब्लडी डिस्चार्ज उस गैंग्रीन के आसपास से हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बोर्थोप्स। बोर्थोप्स 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो हेमरेज है गैंग्रीन में से वह ख़त्म हो गया और आपका गैंग्रीन भी ठीक होने लगा। एक स्थिति आती है साथियों वह भी ड्राई गैंग्रीन में कि आपको गैंग्रीन की स्थिति है लेकिन जब आप उसकी सिकाई करते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो अगर आपकी स्किन सिकुड़ गई है, आपके गैंग्रीन है और सिकाई करने से, वार्म्थ प्रोवाइड करने से उस एरिया में आपको आराम मिलता हो गैंग्रीन के पेन में, अगर यह सिम्टम आप में मैच कर जाए तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको ड्राई गैंग्रीन हो, स्किन आपकी सिकुड़ गई हो एक पिक्यूलियर एरिया में, एक स्पेसिफिक एरिया में, आपको बार बार प्यास लगती हो, रात में 12 से 2 आपकी तकलीफें ज़्यादा बढ़ती हों और आपको जलन महसूस होती हो, उस स्थिति में गैंग्रीन की आपके ड्रग ऑफ द चॉइस आर्सेनिक एल्बम है। यह दवा लेके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों गैंग्रीन में कि आपके किसी के गैंग्रीन हो गई हो, यानी वह टिश्यू डेड हो गया हो एक स्पेसिफिक एरिया का और उसके लिम्फ नोड्स डेवलप हो गए हों, यानी गर्दन में ग्लैंड्स आ गए हों,
तो अगर यह स्थिति हो कि आपके गैंग्रीन हो और आपके लिम्फ नोड्स फैल कर गए हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की, उस स्थिति में आपका गैंग्रीन जो कि कैंसरस भी हो सकता है, उसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा ब्रोमियम है। आप ब्रोमियम 32 बूंद दिन में 3 बार लें। इस दवा से उम्मीद है कि आपका जो कैंसरस गैंग्रीन है वह भी ख़त्म होगा और आपके गले में जो लिम्फ नोड्स पड़ गए हैं, गांठें पड़ गई हैं, वह भी चली जाएंगी और आपको पूर्णतया स्वस्थ करेंगी। एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके गैंग्रीन में पस फॉर्मेशन हो गया हो और छाले पड़ गए हो, तो वह स्थिति जब आपके स्किन में पस फॉर्मेशन हो गया और स्किन में छाले पड़ गए हों, तो उन छालों को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा एंथ्रासिनम है। आप एंथ्रासिनम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। उस कंडीशन में जब आपके स्किन में यानी गैंग्रीन में छाले पड़ गए हों, बॉयल्स हो गए हों, जो उससे सिक्रीशन निकल रहा हो, पदार्थ निकल रहा हो, वो बहुत ज़्यादा बदबूदार हो और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, अगर यह 3 कंडीशन आप में है, तो वेट गैंग्रीन को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत कारगर दवा एंथ्रासिनम है। इसको 200 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार लें और इस समस्या में लाभ प्राप्त करें। एक साथियों बहुत कॉमन कंडीशन होती है गैंग्रीन की कि आपके लिप्स, चीक्स या गम्स में गैंग्रीन पड़ गया। तो अगर आपके लिप्स गैंग्रीन में गैंग्रीन हो या चीक में हो या गम्स में हो, वह पेनफुल हो, ऑफेंसिव डिस्चार्ज हो और ग्रीनिश कलर का पस आता हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा मर्क्यूरस सॉल्युबिलिस है। आप मर्कसॉल 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपका जो यह गैंग्रीन है, आपके लिप्स के अराउंड यहाँ पे गैंग्रीन बन गया है या आपके गम्स में बन गया है या आपके चीक्स में बन गया है, वह ख़त्म हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। फिर साथियों एक स्थिति आती है गैंग्रीन में कि आपका गैंग्रीन से पस का डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अगर आपका पस फॉर्मेशन गैंग्रीन में हो रहा है यानी वो वेट गैंग्रीन है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा साइलिसिया है। साइलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं गैंग्रीन के केस में कि जब आपको गैंग्रीन तो हो लेकिन उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा हो और आपको सर्दी ज़्यादा लगती हो। अगर यह कंडीशन आप में है तो आपकी गैंग्रीन में ड्रग ऑफ द चॉइस साइलिसिया है। साइलिसिया को आप 1 mg/hr की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें या 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, जैसा आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करें। इससे आपका पस फॉर्मेशन भी रुक जाएगा और आपका गैंग्रीन भी खत्म हो जाएगा। एक कॉमन स्थिति आती है साथियों गैंग्रीन की जो है ट्रॉमा गैंग्रीन, यानी आपके कहीं चोट लगी हो और उसके बाद आपके गैंग्रीन बन गया हो। तो अगर वह स्थिति हो कि आप कभी चोट लगी और उसके बाद आपको गैंग्रीन बन गया हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा एसिड सल्फ्यूरिकम है। आप एसिड सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आप देखेंगे कि आपको ट्रॉमा यानी चोट लगने के बाद जो गैंग्रीन हुआ है वह ख़त्म हो गया और आप स्वस्थ हो गए। एक स्थिति आती है टो के गैंग्रीन में कि जब आपके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है टो में और जब आप पैर नीचे रखते हैं तो वह पेन बहुत बढ़ जाता है और जब पैर ऊपर करते हैं तो आपको आराम मिल जाता है और गैंग्रीन नीला पड़ गया है। तो अगर यह कंडीशन आपके हो कि आप जब पैर नीचे रखते हो तो जो आपका टो गैंग्रीन है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता हो और पैर को थोड़ा हॉरिजॉन्टल रखने पे वह दर्द ख़त्म हो जाता हो, तो उस कंडीशन की बहुत कारगर दवा वाइपेरा है। वाइपेरा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक कंडीशन आ सकती है साथियों गैंग्रीन में कि आपको गैंग्रीन की शिकायत हो और आपका वो हिस्सा पूरा काला पड़ गया हो, सड़ गया हो जिसे कहते हैं। तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपके गैंग्रीन की शिकायत हो और वह हिस्सा बिल्कुल ब्लैक पड़ गया हो या ब्लू पड़ गया हो, नीला पड़ गया हो, तो उस कंडीशन में भी रिलीफ देने की और पेन बहुत ज़्यादा आपके हो रहा हो, उस कंडीशन में भी रिलीफ देने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है लेकैसिस। आप लेकैसिस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके ब्लैक या ब्लू गैंग्रीन हो गया हो, बहुत ज़्यादा वह पेनफुल हो, बहुत ज़्यादा वह ठंडा हो और रात में सोने के बाद आपकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हों।
तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस लेकैसिस है, यह आपके गैंग्रीन की मेलिग्नेंसी को भी कंट्रोल करने में सहायक है। एक स्थिति साथियों आती है गैंग्रीन बनने की कि जब आपके आप जल गए हों, जब आपके बर्न इंजरी हो गई और आप जल गए हों और आपको गैंग्रीन बन गई हो, अगर यह स्थिति है तो इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा है कैंथेरिस और एंथ्रासिनम। कैंथेरिस उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है जब आप जैसे ही जले हों वैसे ही आप कैंथेरिस का यूज़ कर लें। ये एक प्रिवेंटिव की तरह काम करके आपके उस बर्न इंजरी को गैंग्रीन बनने से रोकेगी। और अगर आपके गैंग्रीन बन गया है और छाले पड़ गए हैं, डार्क कलर का वो एरिया हो गया है जो जला है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में कारगर दवा है एंथ्रासिनम। एंथ्रासिनम आप उसके वो जो बाइल्स का फॉर्मेशन हुआ है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज जिसे निकल रहा है, उसको ठीक करके आपका यह बर्न इंजरी को ठीक करके आपकी गैंग्रीन को ख़त्म करने में सहायक होगी। तो एंथ्रासिनम एक कारगर दवा है जो बर्न इंजरी में आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। साथियों जो सबसे कॉमन कंडीशन होती है गैंग्रीन की, वह आपका टो होता है, पैर का तलवा होता है। तो अगर आपके टो में ड्राई गैंग्रीन है, यानी कि स्क्रीन वहाँ की सिकुड़ गई है और आपको गैंग्रीन हो गया है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सिकेल कॉर्निटम। सिकेल कॉर 30 आप टो के गैंग्रीन में दे सकते हैं जब आपकी स्किन सिकुड़ गई है, आपको ड्राई गैंग्रीन हो गया है और आपको डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या प्रेजेंट आपके डायबिटीज़ है, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस सिकेल कॉर है। सिकेल कॉर 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका जो टो की डायबिटीज़ टो का गैंग्रीन है वह ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों एक स्थिति आती गैंग्रीन में कि गैंग्रीन में स्थिति वर्स्ट स्थिति आती है, तो अगर गैंग्रीन कि वो स्थिति आ जाए कि गैंग्रीन काला पड़ जाए, गैंग्रीन में बहुत जलन हो, गैंग्रीन में बहुत पेन हो और आपको कोई रास्ता सूझ ना रहा हो, तब भी होम्योपैथी में एक उम्मीद है और वह है दवा क्रोटेलस हॉरिडस। आप क्रोटेलस हॉरिडस 1 mg/hour में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके बहुत ज़्यादा पेनफुल गैंग्रीन हो, बिल्कुल काला पड़ गया और आपको लगता हो अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तब भी यह दवा हो सकता है आपको आराम दे दे, हो सकता है आपके गैंग्रीन को फैलने से बचाए और आपके डॉक्टर को जो एलोपैथिक आपका डॉक्टर या सर्जन है उसको आपके गैंग्रीन को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में और क्योर करने में मदद करे। तो आप इस दवा को ले सकते हैं जब आप नाउमीदी की तरफ हों, यह दवा आपके लिए उम्मीद हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों गैंग्रीन के कंडीशन में कि आपको वैरिकोज वेंस या इस तरह की कोई शिकायत है जिससे आपका ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है बॉडी में और आपके गैंग्रीन हो गया, तो अगर यह कंडीशन किसी में है कि उसके ब्लड फ्लो किसी स्पेसिफिक एरिया में डिरेंज हो गया है जैसे कि वैरिकोज वेंस में होता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बोवेज 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार लेके आप अपना एयर कंडीशन में वैरिकोज वेंस को भी ठीक कर सकते हैं और उससे होने वाले गैंग्रीन को भी ठीक कर सकते हैं। ये साथियों कुछ दवाएं थी आपको गैंग्रीन को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की, आपको आराम देने की और मोस्ट प्रोबेबली उसको ठीक करने की भी। लेकिन मैं यहाँ केवल ये नहीं बोला उसको ठीक करने की, क्योंकि यह एक जानलेवा विषय होता है, सेप्टिक फैल सकता है, तो अगर आपको गैंग्रीन है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, वो बेस्ट पर्सन है आपको एलोपैथिक डॉक्टर आपको मैनेज करने के लिए, होम्योपैथिक मेडिसिन आपको उसमें हेल्प कर देंगी, लेकिन शायद ये हर विषय में आपका ट्रीटमेंट ना हो। और इसमें से भी साथियों जो दवा लीजिए किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के अपने हिसाब से स्पेसिफिक दवा लीजिए जो आपके हिसाब से स्पेसिफिक होगी, डॉक्टर वही लिखेगा। प्रयास था साथियों ये आपको किसी को गैंग्रीन है तो उसको उसके सवालों का जवाब देने का एक प्रॉपर मेडिसिन के रूप में जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपको यह प्रयास पसंद आया हो तो बेहतर है, अगर मन में क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करी जाएगी कि आपको आपके सवाल का संतोषजनक जवाब दिया जाए। यदि आपको साथियों यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को क्लिक करके सबसे पहले
सबसे नया वीडियो इस चैनल का प्राप्त करते रहिएगा। एक बार पुनः डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक और डॉक्टर उमंग खन्ना और आयंस इंडिया की तरफ से आपका साथ बने रहने के लिए इतनी देर आभार और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।